हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ी बॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही यम्मी है, और इसमें चीज़ इतनी चीज़ी है कि बता नहीं सकते। आप खुद ही बनाएं और ख़ुद ही इसे ट्राई करके देखें। जब आपको इसका टेस्ट पता चलेगा तो आप इसे अपने रोज़ डेली बनाना चाहेंगी, और स्नैक जब भी चाय टी टाइम होगा तो आप यही स्नैक बनाएंगी। तो बहुत ही इजी भी है, बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे छोटे पीसेस में हम चिकन को कट कर लेंगे, जिससे मुझे आसानी से पीसना है। तो इसमें हम हाफ टी स्पून लेंगे चिली फ्लेक्स, अगर आप स्पाइसी खाती हैं तो 1 टीस्पून लीजिए, मैंने स्पाइसी बनाया है इसे। और ये हाफ टी स्पून लेंगे ओरिगेनो, और ये हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और ये 2 चम्मच करीब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। तो इन सभी को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करके कुछ देर रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद मुझे इसे पीसना भी है। तो इसमें हम टमाटो सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर टमाटो सॉस लिया है, इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस लेंगे, तो ये 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया, और इन सभी को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है, बराबर से कोडिंग हो गई है। तो अब हमें इसके अंदर ये वाली चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो इसे हम जब पीस लेंगे इस चिकन को, तब हम इसके अंदर इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है, तो इसे मैंने मिक्सर के जार में देखिए ऐड कर लिया है, और 1 से 2 बार चलाने पर ये आसानी से पीस जाता है। तो देखिए पीस गया है। आप चाहती तो इसके अंदर ही चीज़ ऐसे ही डाल के पीस लेती, लेकिन मैंने इसके अंदर भरा है। दोनों तरीके से आप बना सकती हैं, इस तरह से भर के भी, और या तो उस टाइम पीसने में भी ऐड कर सकती थी, उस तरह भी बहुत अच्छा लगता है। आप अलग अलग शेप में इसे बना सकती हैं, मैंने बॉल के शेप का बनाया है क्योंकि अंदर भरा है। तो अगर आप चाहें तो इसे टिकिया की शेप का बना लें, चाहे तो इसे नगेट के शेप में बना लें। तो आपको जिस तरह से जो शेप अच्छा लगे, आसानी से इससे कोई भी शेप बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह से चीज़ अंदर हल्का सा रख करके, और इस तरह से इसको बॉल की तरह बंद करके गोल गोल कर लें, तो ये आसानी से ये बंद हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बन गया है चीज़ी बॉल। तो अब हम ये सारे बॉल्स जब बना लेंगे इसी तरीके से, तब हम इसे फ्राई करेंगे। आप इस तरह से स्टोर भी कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से अगर स्टोर करना हो तो इस तरह से छन्ने पर रख के हमें बॉयल कर लेना है, और सारे इस तरह से बॉयल हो जाएंगे। तो हम इसे करीब 15 से 20 दिन तक के इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा दिन भी आप रख सकती हैं, लेकिन ये इतना टेस्टी होगा कि आप 1 हफ्ते से ज़्यादा इसे नहीं स्टोर कर सकती। तो आप 1 हफ्ते में ही इसे ख़त्म कर देंगी, तो चाहे आप जितना बना के हफ्ते भर में ही आप ख़त्म कर देंगी, बल्कि हफ्ते भर क्या, 2-3 दिन में ही खा के ख़त्म कर देंगी। तो आप इस तरह सादा भी फ्राई कर सकती हैं, इस तरह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए इस तरह से सिर्फ तेल में डाला और फ्राई कर लिया। लेकिन अगर आपको इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना है, तो इसके लिए मुझे इसकी कोडिंग करनी होगी ब्रेड क्रम्स से। तो आप इस तरह से भी देखिए, हम आपको दिखाते हैं तोड़ करके कि कितना चीज़ी बना हुआ है। तो ये इसी तरह से मैंने काट लिया है, ये देखिए बिना कोडिंग किए हुए। तो इस तरह से थोड़ा कुरकुरा कम लगता है, सॉफ्टनेस लगता है, और चीज़ी तो वैसे भी है। तो इसे हम इस तरह से स्टोर करने के बाद 1 से 2 दिन के बाद जब हम फ्राई करेंगे इसे, तब आप अंडे की कोडिंग करके इसे ब्रेड क्रम्स लगा करके फ्राई करिएगा, तो ये बिल्कुल बाहर जैसा इसका टेस्ट आता है। और ये देखिए कितना चिकना और अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो अब हम जब भी इसे बनाएंगे तो इस तरह से कढ़ाई में सबसे पहले तेल लेंगे, और आप चाहे तो घर पे ब्रेड क्रम्स बना लें, या फिर बाहर से भी मिलता है रेडीमेड। तो ये ब्रेड क्रम्स देखिए मैंने घर पर बनाया है। तो ब्रेड को सुखा करके तवे पे, और इसे आसानी से मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया, और एक अंडे को इस तरह से हल्का सा नमक डाल करके इस तरह से डीप कर लिया है फेंट करके। तो ये देखिए इस तरह से एक एक करके कोडिंग करेंगे हम अंडे का, उसके बाद इस तरह से ब्रेड क्रम्स इस तरह से हिलाते हुए उसके ऊपर कोट कर देंगे। हाथ से बिल्कुल मत छुइएगा, इस तरह से आप हल्का हल्का सा इस तरह बाउल हिलाएंगी तो ये पूरे में कोडिंग हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से बिल्कुल अंडे के अंदर मैंने इसे डीप कर दिया था। तो उसके बाद मुझे इसी तरह से सारे को कोडिंग कर लेना है, एक साथ सभी को कोडिंग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फ्राई करिएगा, क्योंकि इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
अंडे में डीप किया हुआ चीज़ बस हल्का सा ही फ्राई करो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसी तरह मैंने सारे बॉल्स इसी तरह से हिला हिला करके ब्रेड क्रम से कोटिंग कर लिया है, और एक्स्ट्रा वाला ब्रेड क्रम्स हम हटा देंगे और इसे कढ़ाई में डाल करके इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे करने के बाद सारे बॉल्स इसके अंदर ऐड कर दीजिए जो भी आपने ब्रेड क्रम से कोटिंग किया है। और ये देखिए हल्का सा बस चलाते हुए ये बहुत ही अच्छा गोल्डन फ्राई हो जाता है। तो इस तरह से अब गोल्डन हो चुका है मेरा चिकन बॉल्स, तो हम इसे बाहर निकाल देंगे तेल से। बस एक से दो बार देखा आपने चलाया और ये बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया है। तो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बना हुआ है, तो इसके लिए मुझे एक यमी सॉस भी बनाना होगा। तो इस तरह से हम सारे बॉल्स फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड। और ये देखिए सारे बॉल्स फ्राई हो गए हैं, कितनी क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रंची है। तो अब इसे खाने के लिए मैंने एक सॉस तैयार किया है, तो मेयोनीज सॉस मिला करके ये मैंने एक सॉस तैयार किया है। ये दो तरह के वेजीज वाले मेयोनीज हैं, टमाटो सॉस है, और मैंने लिया है सैंडविच वाला मेयोनीज। तो ये चारों को मिलाकर मैंने एक सॉस बना लिया है। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो भी ऐड कर सकती हैं। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हो जाता है, तो इस चिकन बॉल का टेस्ट और दुगना कर देगा ये। तो इस तरह से आप बना करके इसे अफ्तार में पेश करें या फिर ईद में बना लें, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही यम्मी है। तो प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, इस चीज़ी बॉल को आप ज़रूर बनाइएगा। देख सकती हैं आप कितना चीज़ी है ये। तो अगर आपको हमारा चीज़ी बॉल पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी चीज़ी बॉल कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड, बाय।